बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है मेहमान का किचन और मेहमान की क्या हाल है व्यूअर्स आपका, आपके यहाँ का कैसा मौसम है? हमारे यहाँ तो कभी सर्दी कभी गर्मी, गर्मी तो नहीं होती, थोड़ा सा वेदर ठीक हो जाता है फिर सर्दी हो जाती है। तो हमारा तो ऐसा ही चलता रहता है, हमारा तो समर भी कभी कभी धूप निकलती है तो ज़्यादा बारिश होती है। तो आप सुनाएं आपके यहाँ का मौसम कैसा है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं चिकन पालक, तो देखते हैं हमें क्या कुछ चाहिए चिकन पालक बनाने के लिए। बनाने के लिए मैंने ये पालक लिए जो कि है आधा किलो, इसको मैंने अच्छे से साफ करके वॉश कर लिया है, वॉश करके तो मैंने रखा हुआ था। अब इसे सबसे पहले हम बॉइल कर लेते हैं, हल्का सा बॉइल करेंगे, ज़्यादा नहीं। इसके आँच हल्की कर देंगे तो पानी नहीं हम इसमें डालेंगे, ये अपने ही पानी में बॉइल। चिकन मैंने 600 ग्राम लिया है और ये है प्याज, बड़े साइज़ की एक प्याज होगी, ये छोटी है तो दो तीन है, छोटी छोटी थी। यहाँ पे बड़ी प्याज हो तो वो गलती नहीं चलती, तो इसलिए मैंने छोटी ली है। ओनियन फ्राई करते हैं तो गोल्डन ब्राउन होने तक ओनियन फ्राई करते हैं। तो ये हमारी पालक बॉइल हो चुकी है, इतनी मैंने 5 से 7 मिनट तक बॉइल की, तो ऐसी इसकी कंडीशन हो चुकी है। तो इसका मैं पैन ऑफ कर देती हूँ, बाकी ये चिकन भी कुक करूँगा। हम देखते हैं क्या कुछ लिया है मसालों में। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ये है जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, 1 टीस्पून है जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। ये है 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, ये 1 टीस्पून से थोड़ी ज़्यादा है लाल मिर्च पाउडर, और ये हल्दी का पाउडर है जो कि है 1/2 टीस्पून, और ये है अदरक का पेस्ट, और ये है लहसुन, और ये है टमाटर, टमाटर एक बिग साइज का है, लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून और अदरक थोड़ा ज़्यादा। हमारा गोल्डन हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करते हैं ये लहसुन का पेस्ट और टमाटर। साफ करके छोटा क्यूब में कर लिया था, देखो छोटी छोटी बोटी,
मैं बहुत ज़्यादा पहले नहीं ऐड करती क्योंकि मुझे अच्छी लगती है इस चीज़ में खाने के आगे इसका हो जाता है प्रॉपर, लेकिन मैं थोड़ा देख डाल भी ऐड करते हैं तो कर देते हैं। ये जीरा और थोड़ा सा गरम मसाला तो इसके गरम मसाला आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इतने ज़्यादा मसाले यूज नहीं करती। रेडी है तो हम इसे निकालते हैं। पालक का साला सर्विंग के लिए रेडी है। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट रेसिपी में। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।